हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जियर। और एलियंस की खोज बहुत दिन पहले से ही साइंटिस्ट ने करना शुरू कर दिया था। वो विभिन्न तरह के रेडियो वेव में सिग्नल अंतरिक्ष में भेजने लगे ताकि एलियंस के थ्रू भेजे गए कोई भी सिग्नल अगर अंतरिक्ष में मौजूद हो तो साइंटिस्ट उन्हें डिटेक्ट कर पाए और एग्जैक्टली जान पाए उनके बारे में और वो कहाँ पे मौजूद है। और मिरेकली ये हो भी गया। 15 अगस्त 1977 को एक यूनिक सा सिग्नल हमारे साइंटिस्ट को मिल भी गया और बाद में उस सिग्नल का नाम दिया गया वाव सिग्नल। बट इन्हीं चीजों से नामंजूर हमारे मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमें ये सब सिग्नल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है और जानलेवा भी। बट उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्यों हमारे लिए वो सिग्नल भेजना जानलेवा है, खतरा है? वेल, इन्हीं बातों को जानते हैं। वीडियो पूरा देखना, एक नॉलेजेबल वीडियो के थ्रू अपने ज्ञानों को बढ़ाना। वेल, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस नहीं होते और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, खैर ये मेरा बात नहीं, ये मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि जो लोग मानते हैं कि एलियंस नहीं होते वो एक समंदर के पास जाए और समंदर से एक चम्मच पानी उठाए और उस चम्मच के पानी में शार्क ढूंढने की कोशिश करे। अगर तुम्हें उस चम्मच के पानी में शार्क ना मिला तो तुम क्या ये सोच लोगे कि समंदर में शार्क होता ही नहीं है? वैसे हमारा ये पृथ्वी उस चम्मच के पानी की बराबर है और हमारा ये यूनिवर्स वो खत्म ना होने वाली समंदर से भी विशाल है। और यूनिवर्स के एक छोटे से जगह पे अगर एलियंस एग्जिट नहीं करते तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं कि यूनिवर्स के किसी भी कोने में वो एग्जिट नहीं करते। वेल, ये सब बातें सुनने के बाद आपका दिमाग तो थोड़ा सा भी हटकेगा। मेन मुद्दे पे आते हैं, क्यों स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा कहा कि सिग्नल भेज के एलियंस ढूंढना यानी खुद के मौत को बुलावा देना। वेल, इस बातों को जानने के लिए पहले आपको यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। हमारा ये यूनिवर्स सृष्टि हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले और हमारा ये पृथ्वी जन्म हुआ था 4.54 बिलियन साल पहले और पृथ्वी पे इंसानों की सृष्टि हुई थी 2 लाख साल पहले। और ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी जन्मने के कई साल पहले कई सारे ग्रह जन्मे होंगे जिन पे पृथ्वी की तरह ही प्राण एग्जिट करते होंगे। और याद रखना 13.8 बिलियन माइनस 2 लाख यानी 13.79 बिलियन साल उन्हें ज्यादा मिले होंगे ग्रो करने में, ज्यादा टाइम मिले होंगे अपने दिमाग को बढ़ाने में और यूनिवर्स में अपना एक्सपेंशन फैलाने में, जहाँ पे इंसान 2 लाख साल में ही इतना कुछ अचीवमेंट कर लिए हैं, सुपर कंप्यूटर, बंदूक, पिस्तौल और एटम बॉम्ब्स तक हम लोग बना चुके हैं। तो सोचो 13.79 बिलियन साल से आज तक वो कितने कुछ बना चुके होंगे। वेल, क्या आप जानते हो कि इंसानों के बाद पृथ्वी में सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी कौन है? Well, वो है सिंपैंजीज। और ये सुनने के बाद आप और भी हैरान हो जाएंगे कि सिंपैंजीज और इंसान के डीएनए में कितना डिफरेंस है, वो है सिर्फ 2%। तो सोचो 2% ज्यादा बुद्धिमान होने से ही अगर इंसान सारे दुनिया पे राज कर रहे हैं तो सोचो कि अगर हमसे कोई सभ्यता अगर 2% ज्यादा बुद्धिमान निकला तो वो भी हम पे राज करेंगे। और 2 लाख साल में ही हम अगर इतने ग्रो कर चुके हैं, इतना बुद्धि बढ़ा चुके हैं तो सोचो एलियंस जिनको 13.79 बिलियन साल मिले होंगे तो वो कितने दिमाग बढ़ा चुके होंगे, कितना कुछ बना चुके होंगे। और इन्हीं सिग्नल से एलियंस अगर हमें डिटेक्ट कर ले तो सोचो वो भी नेचर की वही बातों को इस्तेमाल करेंगे और हम पे राज करेंगे। जैसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए हर एक प्राणियों को मारते हैं, हर एक प्राणी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही हो सकता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए हमारे जैसे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम इंसानों के ऊपर राज करेंगे। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमें स्पेस में सिग्नल नहीं भेजना चाहिए, हम पृथ्वी पे मौजूद है, इसका ढिंढोरा हमें स्पेस भर में नहीं फैलना चाहिए। Well, ये सब चीजों से डरने वाली बात कुछ भी नहीं, ये चीजें उल्टा भी हो सकता है, वो हमसे ताकतवर नहीं हमसे कमजोर भी हो सकती है। Well, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Well, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।